हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाने जा रही हूँ चावल के परांठे। ये देखो, और उसमें चावल के परांठे में डालूँगी मैं हरी मिर्च और प्याज, टमाटर और आलू और गाजर और लहसुन। इन सभी का मैं पेस्ट बनाऊँगी। इसको मिक्सी के अंदर डाल दिया है, ये देखो। और मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये देखो। और फिर मैं डालूँगी पान मेथी इसमें, ये देखो पान मेथी। इसे परांठे में स्वाद आएगा। और मैंने ये पेस्ट बनाया था, जिसका मैंने ये पेस्ट इसमें डाल दिया है, ये देखो। इसको मिक्स कर दिया मैंने अच्छी तरह से। और फिर चावल का आटा इसमें डालूँगी मैं, ये चावल का आटा, ये देखो। इसमें मैंने मिक्स कर दिया अभी। फिर इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और गैस को मैंने धीमी आंच कर दी है। और अब इसको धीरे धीरे चलाएंगे, फिर बनाएंगे इसका पेस्ट है। फिर इसको आटा तैयार करेंगे और फिर रोटी बेलेंगे, जैसे आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकते हैं आप, गोल चाहे कैसा भी आकार दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे गोल ही रखा है रोटी की तरह। ये देखो, मैंने गोल गोल रोटी बना रही है। ये आटा बहुत ही सॉफ्ट आटा है चावल का। और मैंने यहाँ पे तेल लिया है, चाहे आप तेल ले लो या घी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने तो यहाँ तेल लिया है। और पहले तेल को मैंने लगा दिया तो है पर, और फिर मैंने ये रोटी बनाई थी ये डाल दी। और फिर यहाँ पे तेल लगा देती हूँ ऊपर रोटी के, और फिर इसको अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। ये देखो, रोटी बनने जा रही है। इसको मैं अच्छी तरह सेक लेती हूँ दोनों तरफ से, ये देखो। और एक साइड सेक चुकी है ये रोटी, अब दूसरी साइड सेक लेती हूँ। और अवनीत खड़े हैं पास में, और उसको रोटी देती हूँ। अवनीत, ये अभी अवनीत को दे के आती हूँ। ये देखो, रोटी बनकर तैयार हो गई है, ये देखो, एकदम टेस्टी रोटी है, खाने में स्वाद है। चाहिए आप अचार साग खाओ या दही के साथ में खाओ। ये देखो, अवनीत खा रहा है अभी रोटी। चलो फ्रेंड, ठीक है, ओके बाय। अब नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, टेक केयर।